हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आपको फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 5 चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चुंबकत्व एवं द्रव, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन उस पर मैं बताऊँगा। उन्हीं में से सारा चैप्टर आपको क्लियर हो जाने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक डेरिवेशन को कंप्लीट किया था, जिस पर मैंने 60 क्वेश्चनों को भी बताया था, जो कि एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ उनको पहले मेरी रिक्वेस्ट है, इंड स्क्रीन पर उनकी वीडियो में दे दूंगा। सबसे पहले उनकी तैयारी करें, फिर सेकंड पर ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको चैप्टर 5 में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये वीडियो आपको 2 नंबर दे सकता है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके 1 पर लगा लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको कि प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय क्या होता है, लौह चुंबकीय क्या होता है। ये तीनों के तीनों टॉपिक पहले मैं बताऊंगा, इसके बाद इस वीडियो लॉन्ग ना हुई तो और भी कुछ बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ दोस्तों आपको अनुचुंबकीय क्या होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में, कभी कभी पूछ लिया जाता है चुंबकीय, अनुचुंबकीय और चुंबकीय में अंतर क्या होता है, या लौह चुंबकीय में अंतर क्या होता है। तो आपको यही सारा टॉपिक लिख के आना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको प्रतिचुंबकत्व की परिभाषा बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं यदि आपको बता दूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है, इसका नाम ही है चुंबकत्व एवं द्रव। तो दोस्तों, इसमें हम चुंबक की बात करने वाले हैं, अनुचुंबकीय की बात करता हूँ मैं इस पर। तो फाइनली यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ प्रतिचुंबकत्व की परिभाषा, अनुचुंबकत्व की परिभाषा और लौह चुंबकत्व की परिभाषा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रतिचुंबकत्व की परिभाषा से। तो दोस्तों, जो चैप्टर है हमारा, ये चुंबकत्व वाला है, इसलिए हमें क्या करना क्या होगा, हम प्रति को मान लेते हैं उल्टा, क्योंकि प्रति होता है इस प्रकार, यानी कि जैसे 2 / 3 ये उल्टा मान लेते हैं। इस परिभाषा में मेरे कहने का मतलब, प्रति का मतलब आप उल्टा समझ लीजिए, यानी कहने का मीन्स ये है कि मान लो ये कोई चुंबक है। ये क्या है दोस्तों, कोई चुंबक है, मैंने इसको N नाम दे दिया, S नाम दे दिया, सारा कुछ यहीं पे आपका क्लियर हो जाने वाला है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो यहाँ से मान लेते हैं कोई पदार्थ है, यहाँ से जब हम चुंबक को, दोस्तों आपको पता है कि जब हम चुंबक को किसी पदार्थ की ओर, मान लो लोहे की ओर ले जाते हैं, तो पूरी तरह से चपक जाता है, परंतु प्रतिचुंबकत्व, प्रति का मतलब उल्टा, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाने पर, मान लो हम चुंबक की ओर इधर ले जा रहे हैं, पहले मैं प्रतिचुंबकत्व की चर्चा कर रहा हूँ, इसकी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तीनों वहाँ जाके पढ़ लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि ये कोई चुंबक है, तो आप लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाने पर चुंबक पर आकर्षित नहीं होते, प्रतिचुंबकत्व तो कहलाते हैं। मेरे कहने का मीन्स ये है दोस्तों, प्रति का मतलब होता है उल्टा, बिल्कुल चपकते ही नहीं है। जब इन चुंबक के पास किसी पदार्थ को ले जाते हो तो वो चपकते नहीं है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकत्व तो कहलाते हैं। दोस्तों उम्मीद है जो मैं समझाया आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिचुंबकत्व की परिभाषा होती है ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक के पास, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चुंबक भी बना दिया है, ये मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, जब हम इन पदार्थों को चुंबक के करीब ले जाते हैं तो ये चपकते नहीं है, मतलब चिपकते नहीं इसमें, तो ये ऐसा गुण क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकत्व तो कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं आपको एज फॉर एग्जाम्पल में दे देता हूँ, बिस्मत, शीशा, नमक। अब दोस्तों आपके घर में शीशा होगा, शीशा, नमक, इन चीज़ों को यदि आप चुंबक के पास ले जाते हैं तो क्या है, चुंबक इसे चिपका लेता है, नहीं चिपका पाता, इसलिए एक ऐसे पदार्थ हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकत्व तो की परिभाषा यदि आ जाएगी तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक के पास ले जाने पर वह आकर्षित नहीं करते, प्रतिचुंबकत्व तो कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुचुंबकत्व की, प्रतिचुंबकत्व की बात मैंने कर लिया, अब बात कर लेते हैं अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे, सब में पहले यही लिखना है, वे पदार्थ, आप लिखेंगे क्या, वे पदार्थ
अब इसके बाद लिखना है, इसमें लिखना है वे पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर ले जाने पर एक भी आकर्षित नहीं करते क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहलाते हैं। अब अनुचुंबकत्व, अनु का मतलब होता है थोड़ा बहुत, अनु का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत। तो मेरे कहने का मतलब है वे पदार्थ जिन्हें चुंबक के पास ले जाने पर थोड़ा बहुत आकर्षित करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, अनुचुंबकत्व कहलाते हैं। तो दोस्तों कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चुंबक के पास ले जाते हैं परंतु फिर भी वे चुंबक को आकर्षित नहीं करते, ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, सॉरी प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। परंतु अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चुंबक के पास यदि ले जाते हैं तो थोड़ा बहुत आकर्षित करते हैं, हल्का फुल्का चिपकते हैं फिर छोड़ देते हैं, चिपकते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसे पदार्थ कौन कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय एक भी नहीं आकर्षित करते, अनुचुंबकीय का मतलब होता है थोड़ा बहुत आकर्षित करते हैं। अब बात कर लेते हैं लौह चुंबकीय में, अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी आ जाता है। प्रतिचुंबकीय के दो उदाहरण लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, प्रतिचुंबकीय के शीशा लिख देंगे, नमक लिख देंगे, जो पदार्थ चुंबक में नहीं चपकते उन्हें आप एज फॉर एग्जाम्पल पर लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, ऐसे हैं जो कि हल्का फुल्का चपकते हैं, जैसा कि दोस्तों आपको पता है सोडियम। सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जिसे आप चुंबक के पास ले जाते हैं तो थोड़ा बहुत आकर्षित करता है। सोडियम हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई दोस्तों, तो ये जो पदार्थ होते हैं ये थोड़ा बहुत आकर्षित करते हैं चुंबक। अब बात कर लेते हैं लौह चुंबकीय, लौह का मतलब होता है दोस्तों लोहा। अगर आप यहाँ पर एक लोहा का टुकड़ा रख देते हैं और इस चुंबक को हल्का हल्का खिसकाते हैं तो लोहा तुरंत जाके चुंबक पर चिपक जाता है, इसका मतलब लौह चुंबकीय की परिभाषा यहीं से क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई दोस्तों, आपको कहना है वे पदार्थ जिन्हें चुंबक के पास ले जाने पर चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित कर लेता है या तेजी से चिपका लेता है लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ की आपको परिभाषा क्या लिखना है, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबक के करीब ले जाने पर चुंबक तेजी से आकर्षित कर लेता है लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये तीनों पदार्थ आपके समझ में आ गए होंगे, इनकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि आपके समझ में फिर भी नहीं आया कि मुझे यहाँ पर इनकी थ्योरी लिखनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं वो भी आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरी परिभाषा की, यहाँ पर देखो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि जो परिभाषाएं मैंने बताई इन किताबों पर आपको नहीं मिलने वाली, परंतु मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि नहीं दो चुंबकत्व वाले पदार्थों के नाम लिखिए, तो आपको यही बिस्मत एवं एंटीमनी या फिर शीशा एवं प्रतिचुंबकीय है तो शीशा नमक लिख सकते हैं आप या एंटीमनी बिस्मत लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं अनुचुंबकीय चुंबकशीलता ये कितने पूछे जाते हैं, ये वही टॉपिक दिए गए। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय में मुख्य अंतर, किसी बाचुंबकीय क्षेत्र, मतलब यही सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद जब मैं इसे पलटने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि और भी इसका एक जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी दिया हुआ है, जिसकी भी वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिक्पात कोण वाले जो चैप्टर मैंने अभी कल आपको करवाया था, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको करवाया था। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या, ये भी मैं आपको रटवा दूंगा, ये सारा आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। मैं किन्हीं किताबों से नहीं पढ़ाता, परंतु आप लोग कहते हैं कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश किया हूँ कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय में अंतर, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय की व्याख्या, प्रतिचुंबकीय के किन्हीं दो पदार्थों के नाम, अनुचुंबकीय के किन्हीं दो पदार्थों के नाम, लौह चुंबकीय के किन्हीं, मतलब इनसे कुछ ना कुछ हर साल पूछा जाता है, इसलिए प्लीज इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। मैं नीचे इसके PDF भी डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर वाच कर सकते हैं। तो आइए मैं अगली परिभाषा देख लेता हूं। अब मैं दोस्तों नेक्स्ट बात करने वाला हूं चुंबकन तीव्रता के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, चुंबकन तीव्रता के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जो इसका फार्मूला होता है वह फाइनली फार्मूला होता है I = m/v, क्या होता है दोस्तों I = m/v। अब तो आप आसानी से इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं, जहाँ V आयतन होता है, m द्रव्यमान होता है, I हमारी चुंबकन तीव्रता होती है। तो यहाँ पर सबसे आसान हो गया आपके
लिए इस परिभाषा को निकालना है, क्योंकि आप इस परिभाषा को अब इस फार्मूले की मदद से भी निकाल पाएंगे। तो आपको सिंपल सा इसमें क्या क्या देना है, किसी दिए गए नमूने का चुंबकन, क्या क्या देना है दोस्तों, किसी दिए गए नमूने का चुंबकन, दिए गए नमूने का चुंबकन बस आप इसी फार्मूले की मदद से दिए गए नमूने का चुंबकन, उसके आयतन क्या कह देना है दोस्तों, उसके आयतन तथा द्रव्यमान, या इसका हम बीच में जो अपान लगा हुआ है इसको बोलते हैं अपान, इसको बोलते हैं सॉरी अनुपात हिंदी में, और ये अपान का जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुपात। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान और हमारे हो गया आयतन। तो आप कहेंगे उसके आयतन, उसके आयतन, इसके बाद तथा द्रव्यमान के अनुपात को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये परिभाषा भी आपके समझ में आ गई होगी। इन तीनों की जो परिभाषाएं हैं मैं पीडीएफ बना के लिंक डाल दूंगा, और इसके बाद मैं आपको एक परमाणुवी मॉडल के आधार पर भी इन तीनों को समझा दूंगा, क्योंकि उसके आधार पर भी पूछा जाता है। मैंने अभी अभी आपको पीछे क्वेश्चन दिखाया। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो विद्या क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, उनको मैं करवाने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, मैं आपको अगली जो वीडियो होगी उस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल समझाने वाला हूँ। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।